हेलो दोस्तों, मैं हूँ अक्षय और मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक दिल दहला देने वाली कहानी। ये कहानी रमन की है जो एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर का जॉब करता था। मैनेजर की पोस्टिंग की वजह से उसे तनख्वाह भी बहुत थी और उसे काम भी ज़्यादा था। रमन जॉब की वजह से अपनी फैमिली से दूर रहता था। उसने कंपनी जिस सिटी में है उस सिटी में एक शानदार फ्लैट भी लिया था, पर उस फ्लैट में वो अकेला ही था। वो हर महीने घर पे पैसे भिजवाता था और कभी कभार छुट्टी पे घर भी जाता था। दिसंबर का महीना चल रहा था और क्रिसमस भी आने वाला था और इस साल कंपनी ने सबको क्रिसमस की 3 दिन की छुट्टी भी दी थी, तो इस छुट्टी में रमन का घर जाने का प्लान बना था। उसने तुरंत ही मोबाइल से अपने गांव के लिए टिकट निकलवा लिए। उसके पास गाड़ी भी थी लेकिन उसका गाँव यहाँ से बहुत दूर था और आने जाने में ही 1 दिन लगेगा, इसलिए उसने ट्रेन की टिकट बुक करवा ली। ट्रेन का टाइम रात 9 बजे था और उस दिन उसका ऑफिस 7 बजे छूटने वाला था, क्योंकि अगले 3 दिनों के थोड़े बहुत काम उसे आज ही करने थे। तो उसने सोचा, ऑफिस छूटने के बाद डायरेक्ट स्टेशन चला जाता हूँ तो इससे मैं सुबह 5 बजे तक गांव पहुँच जाऊँगा। तो उसने सारी पैकिंग कर ली थी और वो सारी बैग लेकर ऑफिस आया था। उसने अपने सारे काम खत्म किए और कैब बुक कर ली। वो स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा। 1.5 घंटे बाद करीब 8:30 बजे वो स्टेशन पहुंचा। ट्रेन निकलने में अभी आधा घंटा और था और वो जब टिकट काउंटर पर अपनी टिकट कंफर्म करने गया तो उसको बहुत बड़ा शॉक लगा, क्योंकि वो मोबाइल अपनी ऑफिस में ही भूल गया था और टिकट ऑनलाइन बुक करने की वजह से वो मोबाइल में ही थी और वो ही टिकट काउंटर पर दिखानी थी। अब वो बड़ी मुसीबत में पड़ा था, क्योंकि अब वो पीछे भी नहीं जा सकता था और नई टिकट भी नहीं निकलवा सकता था, क्योंकि सारे टिकट खत्म हो गए थे और ट्रेन फुल भी हो चुकी थी। अब वो अपने आप से बहुत गुस्सा हो गया था। तब उसने सोचा कि अब एक ही रास्ता है, घर जाकर अपनी गाड़ी से गाँव जाना। उसने फिर से एक कैब बुक की और पहले ऑफिस की तरफ मोबाइल लेने के लिए पहुंच गया। वो ऑफिस में करीब 10:15 बजे पहुंचा। जब वो मोबाइल लेने के लिए ऑफिस गया तो उसे वहाँ कुछ अजीब लगा, क्योंकि जब वो वहाँ से निकलने वाला था तो उसने मोबाइल चार्जिंग करने के लिए स्विच बोर्ड के ऊपर रखा था, पर जब वो मोबाइल लेने के लिए ऑफिस में आया तो वो मोबाइल उसके डेस्क पर था। और अजीब बात तो ये है कि वो मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म भी हो गया था। फिर भी ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए रमन वहाँ से घर गया और अपनी गाड़ी लेकर अपने गांव की तरफ बढ़ने लगा। करीब 1 घंटा ड्राइविंग करने के बाद अचानक से रमन को एक कॉल आया, वो भी अननोन नंबर से। और जब रमन ने फ़ोन उठाया तो सामने की तरफ से भारी आवाज़ में कोई बोल रहा था, क्यों रमन, ट्रेन मिस हो गई? और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तो रमन को लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, तो गुस्से में आकर उसने उसे गालियाँ दी और पीछे की सीट पर अपना मोबाइल फेंक दिया। अगली बार फिर से 10 मिनट के बाद रमन को फिर से वही कॉल आया। रमन ने पीछे की सीट से मोबाइल लिया और उठाया तो इस बार भी वही आदमी था। और इस बार उसने रमन से कहा, तुम्हारी गाड़ी अगर बीच रास्ते में ही रुकी तो, और वो भी एक सुनसान रास्ते पर, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। रमन ने फिर से गुस्से में फ़ोन पीछे फेंक दिया। लेकिन अजीब बात तो तब हुई जब सच में एक सुनसान रास्ते पर रमन की गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। ये सब देखकर रमन घबरा गया। उसी समय फिर से फ़ोन की रिंग बजी और इस समय रमन इतना डर गया था कि उसके सांसें ही फूल गई। उसने हिम्मत करके फ़ोन उठाया। रमन बोला, हेलो, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो और ये सब तुम क्यों कर रहे हो? उधर से एक गहरी आवाज़ आई, मुझे ये सब करने में मज़ा आता है और मैं अभी भी तुम्हारे पास ही हूँ रमन, और हंसने लगा। रमन बहुत डर गया। उसने इधर उधर देखा पर उसे कोई नहीं दिखा। पर जब उसने अपने गाड़ी के सामने वाले आईने में देखा तो वो चिल्ला उठा, क्योंकि उसने देखा कि उसने जो मोबाइल अपने कान पे लगाया है उसको किसी और ने भी पकड़ा है, और जिसने पकड़ा है वो पीछे की सीट पर बैठा है और उसके कपड़े खून से लथपथ थे और सर भी फूटा हुआ था। लेकिन जब रमन ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था
वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब वो आईने में देखता तो उसे वो आदमी दिखता था। रमन बहुत डर गया था। वो अपने फोन को कान से हटा भी नहीं पा रहा था और ना ही अपने कान से उतर पा रहा था। फोन अभी भी चालू ही था। रमन ने जोर से कहा कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो उधर से जवाब आया, तुम्हें मरना होगा। जैसे तुमने मुझे मारा वैसे तुम्हें भी मरना होगा। रमन ने पूछा, मैंने किसी को नहीं मारा। उधर से जवाब आया, झूठ। 3 महीने पहले जब तुम अपने ऑफिस अपनी गाड़ी लेकर जा रहे थे, तब तुमने एक औरत और एक आदमी को जोर से टक्कर मारी थी, और उस समय तुम अपना फोन चलाते हुए गाड़ी चला रहे थे। तुम्हें हमें अस्पताल ले जाने की भी ज़रूरत नहीं लगी और हम दोनों को वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। अब तुम्हारी बारी है रमन, अब तुम्हारी बारी। अब रमन को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। अब रमन चिल्लाते जा रहा था कि मुझे माफ़ करो, मैं फिर से ये कभी नहीं करूँगा, मैं मोबाइल चलाते हुए गाड़ी नहीं चलाऊँगा, मुझे माफ़ करो। पर फिर भी उसके कान से वो मोबाइल नहीं छूट पा रहा था और वो हिल भी नहीं पा रहा था। और इसमें ही गाड़ी अचानक से चालू हुई और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगी और उसको रोक पाना बहुत मुश्किल था। और कंट्रोल खोने की वजह से वो गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा गई और उसमें ही रमन की मौत हो गई। जैसे उसकी वजह से 2 लोगों की जान गई, वैसी ही मोबाइल कान से होने की वजह से रमन की भी मौत हो गई। तो दोस्तों, कभी भी मोबाइल चलाते चलाते और ड्रिंक करते हुए गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ड्राइव नहीं करनी चाहिए। इससे खुद को और आगे चलने वाले इंसानों को खतरा हो सकता है, क्या पता अगले रमन आप भी हो सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आप ऐसी ही अन्य रोमांचक कहानियाँ सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए अलविदा।